नमस्कार, वेलकम टू आनस कुकिंग डायरी। आज मैं बनाने वाला है लौकी दाल। दाल बनाने के पहले क्या आइटम चाहिए दिखा देगा। आइए, आप लौकी ऊपर छील के अच्छे से धो के रख लीजिए। टमाटर छोटा छोटा पीसेस कट कर लीजिए। मिर्ची ज्यादा लीजिए, रेड मिर्ची कम ले लीजिए। 1 कप दाल, अरहर दाल 1 कप, 1 ऑनियन, करी पत्ता थोड़ा से और धनिया पत्ता थोड़ा से, लहसुन थोड़ा से, इमली ऑयल इसी में डालने के लिए। पहले पीसेस कट करके दाल को अच्छे से 3 बार 4 बार अच्छे से धो लीजिए। दाल को 4 बार अच्छे से धोने के बाद इसी में डाल देना मिर्ची, थोड़ा से लहसुन, धनिया पत्ता, थोड़ा से करी पत्ता, इमली एंड 1 ऑनियन। इसी में जाएगा लौकी, मीडियम साइज काट लीजिए। मीडियम साइज काट के इसी में डाल दीजिए। कुकर में डाले तो जल्दी पक जाएगा। 2 टमाटर इसी में साथ जाएगा। 1 टेबलस्पून ऑयल डाल दीजिए। 1/2 चम्मच रेड चिली पाउडर, क्योंकि मिर्ची ज्यादा डाल दिया इसलिए रेड चिली थोड़ा से कम डाल दीजिए। 1 टेबलस्पून हल्दी डाल दीजिए। नमक 2 टेबलस्पून नमक डाल दीजिए। हम लोग इसी कप से दाल ले लिया, इसी 3 कप पानी डाल दीजिए। 1 कप दाल के लिए 3 कप पानी, इसको साथ जाएगा। पानी ऐड कर लीजिए। सब ऐड करने के बाद अच्छे से मिला दीजिए एक बार। अभी कुकर ढक्कन लगा दीजिए। 5 विजिल आने तक पका लीजिए। 5 विजिल ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद अभी ढक्कन निकाल देगा, बट ऊपर देख लीजिए। दाल पकने के बाद ऊपर कुछ भी नहीं आया, क्योंकि हम लोग इसको साथ दाल साथ ऑयल डाल दिया। 1 टेबलस्पून ऑयल डाले तो पकने के बाद ऊपर का ऐसा नहीं आएगा, दाल कुछ भी कूड़ा पानी कुछ भी नहीं आया। ठंडा होने के बाद अभी निकालेगा। दाल अच्छे से पक गया। 5 विजिल आने तक रख लीजिए, तब अच्छे से पक जाएगा। ऐसा पकने के बाद इसको पतला कर देगा। दाल अच्छे से पतला कर दीजिएगा। दाल अच्छे से पतला कर लिया, देख लीजिए। बीच बीच में थोड़ा सा लौकी दिखते अच्छा रहता है। अभी दाल को तड़का रखेगा। तड़का रखे तो और टेस्ट अच्छा रहता है। दाल तड़का रखने के लिए पैन में 2 चम्मच ऑयल डाल दीजिए। ऑयल गर्म होने के बाद लहसुन डाल दीजिए, 4-5 लहसुन डाल, 1 रेड मिर्ची छोटा छोटा पीसेस कट करके इसी में डाल रहा है। 1/2 चम्मच मेंथी सीड्स, 1/2 चम्मच जीरा, 1/2 चम्मच मस्टर्ड से फ्राई होने के बाद अच्छे से खुशबू आता है। अब उसको साथ जाएगा थोड़ा से धनिया पत्ता, थोड़ा से करी पत्ता, थोड़ा से हिंग, थोड़ा से हिंग डाल दीजिए। अच्छे से फ्राई हो गया। कुकर में दाल है इसी में डाल दीजिए, तड़का में डाल दीजिए। दाल तड़का रखने के तुरंत ढक्कन लगा दीजिए। अच्छा खुशबू आता है, बहुत टेस्ट आता है। 1/2 ग्लास कुकर में पानी डाल दीजिए, थोड़ा से पानी। पानी डाल के अभी ढक्कन निकाल दीजिए। ढक्कन दाल में पानी इसी में डाल दीजिए। अभी तक मैं स्टोव बंद नहीं किया, देख लीजिए। अभी ये तड़का पूरा मिला दीजिए। दाल को गाढ़ा नहीं रखना, ज्यादा ज्यादा पतला नहीं है, ऐसा अच्छा रहता है दाल। देख लीजिए, लौकी दाल रेडी हो चुकी है। अभी मैं स्टोव बंद कर रहा हूँ। दाल को अच्छे से अभी मिला दीजिए, तड़का पूरा दाल को अच्छे से मिला दीजिए। अभी इसी टाइप में डाल दीजिए नमक को, ठीक नहीं तो अगर आप लोग को पसंद रहे तो थोड़ा से 1/2 चम्मच इसी में जाएगा, थोड़ा से घी डाल दीजिए, बहुत टेस्ट रहता है। पसंद नहीं तो अगर मत डाल दीजिए। लौकी दाल रेडी हो चुकी है। आप एक बार ये रेसिपी ऐसा बना के टेस्ट कैसा है जरा कमेंट्स में बता दीजिए। अगर चैनल पसंद हो जाए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।